नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी पर। और मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं दोस्तों, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज कई अभ्यर्थियों ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा था और वो राज्यपाल से मिलने गए थे। तो दोस्तों, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको चुनावों के चलते परीक्षा में बैठने का मौका है वो नहीं मिलेगा। सूत्रों से ये भी पता चला है कि गहलोत ने भी इस बारे में चिंता व्यक्त की है कि काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं लेकिन उनको परीक्षा में बैठने का है वो मौका नहीं मिलेगा। तो कल ही हमारे पास एक पत्र भी वायरल हो रहा है जिसमें उन कार्मिकों की सूची मांगी जा रही है जिनको फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम देना है, और शायद वो जल्द ही वो सूची है वो जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है उनको पहुँचाने का काम है वो किया जा रहा है। क्योंकि काफ़ी ऐसे सेकंड ग्रेड के थर्ड ग्रेड के शिक्षक हैं जो व्याख्याता भर्ती में शामिल होना चाहते हैं लेकिन चुनावों में व्यस्तता के कारण वो शामिल है वो नहीं हो सकते हैं इसी को लेकर। और दोस्तों, आज राज्यपाल से मीटिंग भी है तो अब क्या होगा वो आपको बताएंगे जल्दी ही। ये देखिए आप, व्याख्याता भर्ती परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग, चुनावों के चलते हज़ारों अभ्यर्थी रहेंगे वंचित। क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका 7 जनवरी, 8 जनवरी और 9 जनवरी को जो पेपर है लेकिन चुनावों की व्यस्तता के कारण वो इन पेपर्स में भाग है वो नहीं ले पाएंगे और उनकी परीक्षा में बैठने का जो सपना है वो धूमिल हो जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को राहत दिलाने के लिए आज अभ्यर्थी हैं वो राज्यपाल से मिलने गए हैं। जैसे ही खबर आएगी आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।